गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चेतन कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही अलग तरीके का वीडियो है, जिसमें कि हम आपको एक नए चैप्टर की ओर लेकर चलेंगे। हमारा आज के चैप्टर का नाम है विभाज्यता या डिविजिबिलिटी। फ्रेंड्स, भाग तो आप लोगों ने शुरू में किया हुआ है, डिवाइड मेरे साथ में अपने डिवाइड के चैप्टर को पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बेसिक भाग था, अर्थात इसमें नॉर्मली भाग करना, शेष निकालना, इन चीजों को मैंने बताया था। लेकिन अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सहायता करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ इस चैप्टर को, डिविजिबिलिटी चैप्टर को। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखेंगे दिया क्या है, 25 की पावर 25, इसको आपको भाग देना है 24 से। देखिए 24 का टेबल आपसे थोड़ा बहुत आता होगा मे बी, लेकिन 25 की पावर 25 इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 25 की पावर अगर 4 भी हो तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती, फिर तो 25 की पावर 25 है, और भाग करने के बाद भी हमें क्या करना है, शेषफल बताना। तो फिर कैसे करेंगे फ्रेंड्स? 30 सेकंड मिले हैं हमें क्वेश्चन करने के लिए। सो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सरल करते हुए हम करेंगे। यहाँ देखेंगे, ये लिखा हुआ 25 की पावर 25, क्या हम नीचे वाले 25 को ऐसा लिख सकते हैं? 24 धन 1 पावर 25 लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, 24 से भाग देना, राइट? आप अच्छे गौर से देखें तो ये 24 के गुणांक हैं, मतलब कि 24 जो है 25 बार 25 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है? तो यहां पर 24 का जो भी गुणज होगा वो क्या होगा, 24 से पूर्णतः कट जाएगा। देखिए, देख लेते हैं, यदि 24 अगर एक बार हो तो भी कटेगा, 24 अगर दो बार हो तो भी कट जाएगी, पूरा कट जाएगा, ठीक है? चाहे 24 की पावर लगी हो, 1, 2, 3 कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, ये 24 से पहुंच गया, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में क्या है, एक्स्ट्रा ए, मतलब 1 की पावर 25 मतलब 1, तो हर बार क्या होगा, 24 से भाग दो आप दे दोगे, लेकिन हर बार शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए फ्रेंड्स हमारा ये आंसर क्या होगा, 1, ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। लिखा हुआ है 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8। हम इसमें जल्द से जल्द दिमाग लगाएंगे कि हमें यहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये भी संख्या अपने आप में बड़ी, कैसा करें कैसा ना करें, यहां पर दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर बिल्कुल सेम है, तो सेम है, इसको बोलते हैं समधन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? समधन पूर्णांक। तो यहां पर ये जो पावर है वो कितनी है, 8 है, और दोनों के ऊपर एक सी कंडीशन, मतलब कि इसके ऊपर ही पावर यही है, माइनस लगा बीच में, इसके ऊपर भी ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पावर को हटा करके इसी संख्या को दो बार लिख लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बहुत सरल है, इसलिए पावर नहीं लगाना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वह संख्या जिससे यह ब्रेक हो सके। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर यहाँ पावर 8 थी, तो आपने पावर 8 क्यों नहीं लगाई? देखिए मुझे आंसर नहीं, मुझे निकालना है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, अर्थात यदि आप इस संख्या की अगर वैल्यू निकालो तो वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी, ठीक है ना? लेकिन हमें निकालना है क्या कि यह विभाजित किससे होगी, ठीक है ना, मतलब किस संख्या से पूर्णतः कटेगी, हमें ये ध्यान देना। तो क्या करेंगे, इस संख्या के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जितनी भी पावर है, चाहे दो पावर हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, तो वह हर बार एक सी कंडीशन में विभाजित होगी। तो ये मैंने अभी पावर आपको बताया, जो अभी मैंने बताया था 24 की पावर 2 लिखाओ, 3 लिखाओ, 4 लिखाओ, 24 से विभाजित हुआ, ठीक है ना, ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो हम लोग देखते हैं 7 और 5 12, ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पर कितना है, ये आ गया 5। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कर देते,
सॉरी ए यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, 7 में से 5 है, कितना बचा है यहाँ पर 2, कितना हो गया 12 दूनी 24। सो फ्रेंड्स यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या जो 24 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब आप देखिए हमने कितने कम स्टेप में इस क्वेश्चन को कर लिया, जबकि आप यदि इस क्वेश्चन को लेंथी करके करते हो तो इसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा, लगभग आप 35 और 45 सेकंड्स के ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि पेपर हॉल में आप 30 सेकंड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पाए। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा फिर से उसी टाइप में है, बट यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, माइनस नहीं लगाया। आप यहाँ पर देखेंगे कंडीशन बिल्कुल सेम है, कोई भी संख्या के ऊपर पावर सेम लगी, दोनों के ऊपर सेम लगी, पावर जितनी भी हो जाए 2, 4, 6, 8, 10 तो क्या होगा, वह संख्या जो है उसी गुणज से जो उसका गुणनखंड होगा उसी से ब्रेक होगी, जो एक बार में ब्रेक होगी। देखेंगे कैसे होगी, इन दोनों क्या करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, प्लस वाले में आपको ऐसा करना है, माइनस वाले में आपको अलग अलग करना है। ये दोनों किया कितना आ रहा है, 7 और 3 10, फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, मतलब ये संख्या 10 से ब्रेक हो जाएगी, माइनस वाले में आपको अलग अलग करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है क्योंकि आपने पहले नंबर का क्वेश्चन आपने देख लिया, लेकिन आप यदि इसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ 19 की पावर 35 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए फ्रेंड्स हमने अब भी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ये 19 को हम कैसा लिख सकते हैं, 18 + 1 और इसकी पावर 35, ओके 18 जो है 18 के जितने भी गुणज हैं 18 से विभक्त हो जाएंगे, बचा कितना 1, 1 की जितनी भी पावर है वो ब्रेक नहीं हो पा रही, इसीलिए क्या होगा शेषफल क्या हो जाएगा 1। पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ऐसा ही बताया था और यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ये 40 सेकंड के ऊपर के, हमको इनको जल्द से जल्द करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसमें लेवल आपको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। देखेंगे 14 की पावर 25 - 2 को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, बिल्कुल भी समय को ना गवाएं, बिल्कुल जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सरल है। यहाँ देखेंगे अभी तक में हमारे पास संख्या आ रही थी सिर्फ इतनी 14 की पावर 25 जैसी संख्या, 19 की पावर 35, 14 की पावर 14 इस टाइप से संख्या आ रही थी। अब देखिए यहाँ पर 14 की पावर 25 है और इसको 13 से भाग देना, इस कंडीशन में तो यहाँ पर तो शेष पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि हमने अभी पहले क्लियर कर लिया था कि इस टाइप की संख्या आएंगे क्या होगा, 1 बचेगा, धन यहाँ क्या है 2, क्योंकि ये 2 में ही भाग दिया जा पाएगा तो क्या बचेगा शेष पर 3। फ्रेंड्स देखिए आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में कर लिया, यहां तक कि आप यदि देखेंगे तो आपको इसको करने में मात्र 10 सेकंड का समय लगा और 4 सेकंड से कम समय आपको लगेगा इसको टिक करने में। ओके स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन को अच्छे गौर से देखेंगे, लिखा है 300 से 500 के मध्य 17 के गुणजों की संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन को करने में 99% पीपल्स जो है गलती कर जाएंगे पहली बार में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि सभी ने इस टाइप से इसकी पढ़ाई की हुई है कि 300 से 500 के मध्य में, मतलब 300 को छोड़ दीजिए और 500 को छोड़ दीजिए, दोनों के मध्य टोटल संख्या कितनी थी 200 में से 2 घटा दे क्या बचा 198, सबने ये पढ़ा है संख्या बीच में कितनी है 198, और सोचते हैं 17 से भाग दे रहे हैं 17 एकम 17 बचा 2 और ये फिर 17 एकम 17 अर्थात लगभग 11 संख्याएं होंगी। लेकिन फ्रेंड्स ये आंसर टोटल गलत है क्योंकि मुझे मालूम है सभी ने ऐसे ही समझा, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हमारा आंसर 11 बिल्कुल भी नहीं है, है ना, जो जिन लोगों से नहीं बन रहा है उनको ध्यान लगा कर देखेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे हमको बात की गई है 500 से 300 के मध्य, मतलब 500 बड़ा है, ओके बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं और क्या बोला 17 के गुणज, 500 के बीच में 17 गुणज और 300 के बीच में 17 गुणज जितने होंगे गिनती आ जाएगी, देखते हैं भाई भाग तो जाने का भाग नहीं जा रहा, क्या कर सकते हैं दोनों का एलसीएम किया आ गया 17, इसमें इसको घटाया क्या बचा 200, क्या बचा 200, ठीक है इसमें इसका भाग दे दिया,
ठीक है, ये पूर्णता अभी भी गलत है। यहां देखेंगे 17 से 500 में हमने भाग दिया, कितना आ रहा है 17 दूनी 34। ओके, यहाँ बचे कितने 500 में यदि 17 से भाग दिया, 17 दूनी 34 बचा वो कितना 16। 17 का दूनी अगर 10 बार पढ़ते हो तो कितना आता है 170, इसलिए आप कितनी बार पढ़ लो 9 बार पढ़ लो। ओके, कितना जाएगा 9 7 63, कैरी 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15। ओके फ्रेंड्स, साफ बचा, इसको यहाँ पर लिखेंगे 29/7/70 माइनस, ये लिखा कितना 300, 300 को हम भाग करेंगे, 300 को हमने भाग किया 17 से, ये आ गया 17 एकम 17, बचा 13, ये 0 और आ गया, 17 पंच 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119। ओके फ्रेंड्स, ये बचा है 11, कितना हो जाएगा 17 सही 11/17। ओके, यहाँ पर हमारा आ गया है इतना। अब क्या करेंगे, यहां से इसको घटा दीजिए, कॉमन लेने वाली बात है, 29 में से 17 चले गए, कितना बचा 29, 29 में से 9 में से 7 गया 2, मतलब 12 बचा। ओके, बाकी ये अलग है, देख लेते हैं यहाँ कितना बचा है, 7/17 माइनस 11/17। हमने इसको और सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स, इस संख्या में आप जो अनुमान लगाएंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो चूंकि ये 7/17 और ये 11/17, ये जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये संख्याएं नहीं घट रही, अर्थात ये कहीं ना कहीं संख्या कैसी रह गई है, इनमें पूर्णता भाग नहीं जा पा रहा। तो पूर्णता संख्या कितनी निकली है 12, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12, जबकि आप उस तरीके से जब करके देख रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था आपका 11 आ रहा था, अभी कि आपका 19-20 अंतर आ गया ना, क्योंकि पेपर हॉल में तो आपको 11 भी मिलेगा 12 भी मिलेगा, तो फिर आप कैसे समझोगे इस चीज को। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, यदि आप दोनों को इक्वल करके आप निकालते हो। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है 200 से 600 तक 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी। फ्रेंड्स, हमको नहीं मालूम, अब क्या करेंगे, 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे 5 से भी कटे 6 से भी कटे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए जिन संख्याओं से विभाजित देना है इन तीनों का एलसीएम निकाल देना। लोग एलसीएम निकाल कर देखते हैं फ्रेंड्स, 4, 5, 6, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 दिया 6, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60। ओके, ये यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया है, मतलब इन सबसे अलग अलग भाग ना दे करके आप क्या करें, आप इन संख्याओं में 60 से भाग दे दें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही करते, बड़ी संख्या हमने लिखी 600/60, दोनों के बीच की बात हो रही तो माइनस लगाएंगे 200/60। ओके फ्रेंड्स, ये कट गया पूरा 60 से, कितना हो जाएगा 10 माइनस, ये कट सकता है तो काट लीजिए, 6 से भाग दे दीजिए कितना जाएगा 6 3 18, और यहाँ पर बचा 2/6, इस 2/6 चूंकि ये काटेंगे तो भी क्या रहेगा सही बटे में रहेगा, इस पूरी संख्या को छोड़ दीजिए, संख्या आपके पास क्या बची है 10 माइनस 3, अर्थात 10 में से 3 गए तो 7, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन सबसे विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी मिलेंगी हमें, 7 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो इन सभी से बराबर बराबर पूर्ण रूप से काटी जा सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ है 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी।
देखिए नॉर्मली आप ये निकाल सकते हैं, दो अंक कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको 3 अंकों की 4 अंकों की बोल दी जाए, तो ऐसी स्थिति में 3 अंकों की संख्या तो बहुत सारी होती है, 2 अंकों की तो लिमिटेड है। तो हम लोग देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन को। 2 अंकों की संख्या जो 5 से पूर्णतः, सबसे पहले देखें 2 अंकों की संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले बेस है यहाँ 9, मतलब 9 के बाद से 99 तक तो संख्याएं आएंगी, वो कैसे संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्या होंगी। तो इनको कैसे 5 से पूर्णतः विभाजित होना है, कितनी संख्या है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया कि इन दोनों के बीच की बात की जा रही है। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या को हम लोग आगे रखें, छोटी संख्या को पीछे रखें, दोनों के बीच की बात की जा रही, किससे विभाजित हो सके, 5 से। ओके, भाग हो सकता है, भाग दे दीजिए 5 से, मैंने इसमें भाग दे दिया, 5 एकम 5 बचा 4, 49 हो गया, 5 9 45 -5 से इसमें भाग दीजिए, 5 एकम 5 ये बचा, ये सही बटे को छोड़ दीजिए क्योंकि ये संख्या पूर्ण नहीं है, पूर्ण बचा है ये 19 में से एक गया, कितना बचा 18। मतलब 18 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कि पूर्ण रूप से 5 से भाग जा सकेगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट दूंगा, ताकि आप इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, आने वाले हैं, मैं आपको उनका कलेक्शन पूरा दूंगा और वो भी बहुत इजी तरीके से दूंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।